नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, मीरा भाईंदर के इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों आज मीरा भाईंदर वसई विरार इस कमिश्नरेट का उद्घाटन हुआ। आइए हम इस कमिश्नरेट के उद्घाटन के दौरान की कुछ झलकी आपको दिखाते हैं और आप भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनिए। मीरा भाईंदर वसई विरार या पोलीस आयुक्त आज आपण लोकार्पण केलेलं आहे। एका गोष्टीचं म्हणून मला नक्की समाधान आहे, अभिमान आहे की आपलं सरकार आल्यानंतर आपण मीरा भाईंदर वसई विरार याच्यासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्त, एकेकाचे लोक असतात, गेल्या वर्षी त्याला मान्यता मिळाली, पण त्याचं लोकार्पण करण्याची संधी हे आपल्याला सदानंदजी दाते यांचं यांची काय ओळख करून देण्याची काय आवश्यकता नाही। एक पिक्चर मधला डायलॉग असतो आमची नाव ही बाकी आहे, तसं आपल्या दाते साहेबांबद्दल खूप काही एक कर्तव्यनिष्ठ स्वच्छ आणि कर्तव्य कर्तव्य असा एक चांगला अधिकारी आपल्याला या पोलीस आयुक्ताला पहिला आयुक्त म्हणून दाखवला। दाते साहेब, तुमचं अभिनंदन, तुमच्या सर्व स्टाफचं सुद्धा अभिनंदन करताना आणि शुभेच्छा देताना मी एक गोष्ट आवर्जून सांगेन की ज्या गोष्टीचा उल्लेख आपल्या प्रतिनिधीने असेल आणखी कोणी असेल जो केलेला आहे की मीरा भाईंदर अनेक वर्ष मी बघतो आहे, पाहतो आहे, वेळोवेळी कधी निवडणुका असतील, इतर कार्यक्रम असतील, त्यावेळेला येणं जाणे तिथे येत असतं, होत असतं। मीरा भाईंदर यांच्या कार्यामुळे त्या जास्त गीता तरी सांगू शकतील की तिकडे काय 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 गोष्टी किंवा प्रताप पण आहेत, कुणाकडे कसं लक्ष द्यायला पाहिजे, कसं काय नेमका बंदोबस्त कोणाचा करायचा करायला पाहिजे हे आता तिथलं उघडून येतं। माझं तर मत असं आहे की नवीन पोलीस आयुक्तालय आपण सुरू करतोय, नवीन पोलीस आयुक्तालयाकडे संपूर्ण राज्याने काहीतरी चांगलं शिकावं असा काहीतरी एक तुम्ही आदर्श आहोत। आम्ही तुमचं सोनाकर तुम्ही करा, आम्ही पाठवतो, काय करायचं, पोलिसांचा कारभार कसा करायला पाहिजे, आयुक्तालयाचा कारभार कसा करायला पाहिजे, सर्वांना मीरा भाईंदर कसा पाहिजे, तर या गोष्टी ह्या आपल्याला पहिल्या गोष्टी की पहिल्या दिवसापासून मीरा भाईंदर आणि वसई विभागामध्ये एक पोलिसांचा जेव्हा आपली शिवसेना म्हणून बाहेरचं करत सांगायची दरा आणि दहशत, पोलिसांचा असतो तो दरा आणि गुंडांची असतो ती दहशत, ही दहशत म्हणून काय, जर गुंडागर्दी केली चालू असेल तरी दहशत म्हणून पाहिजे, तर गुंडांसाठी पोलिसांचा दरा राखून की हे झालं तर आपलं काय खरं नाही, पोलीस आपल्याला आनंदच सोडतात। केवळ मीरा भाईंदर नाही तर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा कोणाची अशी पदार्थामध्ये की माझ्या माता भगिनीकडे अत्याचार करण्याचं तर सुद्धा पण वाकड्या नगरीने बघण्याची सुद्धा किंवा सुद्धा कामा नये अशा पद्धतीचा कारभार हा मला मीरा भाईंदरमध्ये पाहिजे, मीरा भाईंदरमध्ये पाहिजे एक वचक पाहिजे, पोलिसांचं वचक पाहिजे, तरी पण पोलीस स्टेशनमध्ये कोणाला यायला लावूच नये अशी परिस्थिती निर्माण करणं हे मला वाटतं यशस्वी पोलीस आयुक्तांचे एक मोठं कारण। पोलीस आयुक्तालयात 24 तास उभ्यानंतर कोणी यावर त्याला न्याय मिळेल हे आहेच, पण कारभार असा करत नाही की पोलीस आयुक्तालय 24 तास जर उभं असलं की आमचा कारभार असा आहे की पोलीस आयुक्तालयात कोणा येण्याची आवश्यकता झालीच नाही, तर अशा पद्धतीने हे काम पुढे व्हायला पाहिजे। मीरा रोड के सृष्टि परिसर में जहां पर प्रभाग कार्यालय क्रमांक 6 हुआ करता था, अब उसे कमिश्नरेट में तब्दील कर दिया गया है। यहीं पर दूसरे मंजिले पर कमिश्नर सदानंद दाते बैठा करेंगे और अब धीरे धीरे वो अपनी टीम के माध्यम से वसई विरार और मीरा भाईंदर शहर का कंट्रोल करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने उन पर बहुत उम्मीदें जताई है कि वो एक ऐसा यहाँ पर कार्य करेंगे जिसकी मिसाल पूरे महाराष्ट्र भर या दुनिया भर में भी दी जा सकेगी। उद्घाटन के बाद कमिश्नर सदानंद दाते ने मीडिया से रूबरू होते हुए आइए क्या कहा जानते हैं। मैं महाराष्ट्र शासन और पुलिस विभाग का शुक्रगुजार हूँ, मीरा भाईंदर वसई विरार इस क्षेत्र के लिए जो नवीनतम आयुक्तालय बना है महाराष्ट्र पुलिस का, उसमें काम करने का मुझे अवसर उन्होंने दिया है। मेरे सारे साथियों के तरफ से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम पूरा प्रयास करेंगे और जो शासन की और लोगों की लोक प्रतिनिधियों की हमसे अपेक्षा है उसके ऊपर हम वो अपेक्षा पूरा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, बीच में खाड़ी है, ऐसे समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है और अभी भी मैन पावर कम है, तो इस सारे से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी है?
मैन पावर जो है जैसे शासन हमें उपलब्ध करा के देगा, और जो नवीन भर्ती है ये प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा, लेकिन वो जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द हम करेंगे। सर कुल कितने पुलिस स्टेशन आपके मातहत काम करेंगे यहाँ पर? तो जैसा कि आपको ज्ञात है 13 पुलिस स्टेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं, और 7 नए पुलिस स्टेशन की मान्यता मिली है, और जैसे जैसे हमें मैन पावर अवेलेबल होगा वैसे वैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है वहाँ से शुरुआत करके अगले 2 साल में हम ये पूरा 20 पुलिस स्टेशन का आयुक्तालय सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। पुलिस के सामने हमेशा ही अनेक चुनौतियाँ होती है, और किसी एक चुनौती मात्र को सबसे ज़्यादा प्राधान्यक्रम देना, हमें सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और शायद चुनौतियाँ जो है वो समझ लेके हमारे तरफ से 100% एफर्ट्स ये हम देने की आपको वादा कर रहे हैं। और क्राइम हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस और जनता के बीच के संबंध हो, सामाजिक सौहार्द हो, सागरी सुरक्षा हो, ट्रैफिक हो, हमारे जो अधिकारी और अमलदार हैं उनका स्वास्थ्य हो, ऐसे अनेक विषय हैं जिनके ऊपर हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है, और वो हम करते रहेंगे। ये थे मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नर सदानंद दाते, जो बता रहे थे कि उनके सामने काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, और इन आने वाले 2 सालों में वो कुछ ऐसा कर गुजरेंगे कि जिसकी मिसालें पूरा महाराष्ट्र दिया करेगा। देखना है कि यहां पर जिस तरह से ड्रग्स माफियाओं ने अपना सर उठा के रखा है, कानून व्यवस्था काफ़ी लचर हो चुकी है, यहाँ के जो गुंडागर्दी है उस पर किस तरह से काबू पाया जाएगा, ये आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।